myself Rakesh Kumar, best teacher of Shivaji Gopal Institution. मैथ क्लास में एट क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है. बच्चों आज चैप्टर 11, चतुर्भुज. चैप्टर 11 है चतुर्भुज, ये ज्योमेट्रिकल पार्ट है. तो सबसे पहले तो हमको जानने की जरूरत है कि चतुर्भुज क्या होता है या किसे कहते हैं. तो चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं. और ये किसी भी प्रकार का हो सकता है. इस तरीके से अगर हमने फोर साइड्स ऐसे बना दिया है कि रफली डायग्राम, और तो इसमें चार साइडें होंगी, 1, 2, 3 एंड 4. इसमें हम नेम देंगे ए बी सी और डी. तो एक बार फिर से देखिए, चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं. भुजाएं कौन कौन सी हो गई? ए बी बी सी सी डी और ए डी. तो चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं. चतुर्भुज में अंतःकोण चार होते हैं, 1, 2, 3 और 4. चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चार अंतःकोण होते हैं, चार शीर्ष होते हैं. तो इस प्रकार से ये चतुर्भुज हो गया. चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग सदैव 360 अंश होता है. ये आपको याद रखना है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग सदैव 360 अंश होता है. मैं लिखे भी दे रहा हूं, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग सदैव 360 अंश होता है. ये हमेशा याद रखने की जरूरत है. और अगर इसको आपको डिस्कस भी करना हो तो ये चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में किसी एक विकर्ण को खींच दिया जाए, तो विकर्ण ए सी को हमें खींच दिया जाए, विकर्ण ए सी खींचने पर ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया. मैं बराबर की बात नहीं कर रहा, लेकिन दो भागों में विभाजित हो गया. एक तो पहला पार्ट आपका ये है और सेकेंड पार्ट ये. दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज हो गया ए बी सी ये, और दूसरा हो गया ए बी सी. त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, यानी इसके सभी कोणों का योग 180 अंश होगा और इसके भी सभी कोणों का योग 180 अंश होगा. 180 प्लस 180 बराबर 360 अंश. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग सदैव 360 अंश होता है. अब आते हैं चतुर्भुजों के प्रकार. चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहला है चतुर्भुज के प्रकार. तो इनके प्रकारों में देखिए, सबसे पहला हम लेंगे आयत. आयत किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे रेक्टेंगल कहते हैं. आयत की परिभाषा, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है. आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है. तो देखिए, एक हम आयत का चित्र बना लेते हैं इसे. इसको हम कह सकते हैं ए बी सी डी. ए बी सी और डी. तो देख लीजिए, इसमें चार भुजाएं हैं, इसलिए चतुर्भुज कह रहे हैं या आयत कह रहे हैं. 1, 2, 3 और 4, यानी ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चार भुजाएं हैं.
इसलिए ये चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज के प्रकारों में से पहला प्रकार है आपका आयत। आयत को हमने बताया, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी कोण बी 90 अंश, कोण सी 90 अंश, कोण डी भी 90 अंश और कोण ए भी 90 अंश होगा। और अगर सभी को जोड़ दें तो फिर से 360 अंश मिल जाएगा, यानी चतुर्भुज के चारों अंत का कोण का योग 60 अंश यहां भी मिल गया। ठीक, आयत की विशेषता, आयत की विशेषताएं क्या होगी? पहली बात तो सम्मुख भुजाएं, आयत की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। मैंने पहला क्या कहा, आयत की सम्मुख भुजाएं, की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, समान लंबाई होती है। पहला नंबर हो गया, यानी BC बराबर AB और AB बराबर CD, ये हमेशा होगा, यानी AB बराबर CD और BC बराबर AD, BC बराबर AD। अगर ये आयत है तो 100% इसी तरीके का सिस्टम उसमें होगा, यानी सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है। पहली विशेषता तो एक ही हो गई। दूसरी विशेषता, आयत के दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, AC और BD, ये पहला था। अब सेकेंड पार्ट, आयत के दोनों विकर्ण, आयत में दो ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं, आयत के दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। ठीक, आयत के दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, इसका मतलब हो गया AC बराबर BD, ये हमेशा रहेगा AC बराबर BD। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो वर्टिक्स के नाम देंगे या शीर्षों के जो नाम देंगे, इनको एक आर्डर में रखेंगे। आर्डर का मतलब है या तो आप इसको क्लॉकवाइज रखें या एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से A B C D ऐसे, या ऐसे भी कह सकते थे A B C D, ऐसे भी कह सकते थे, ऐसा नहीं कहेंगे A B C D, ऐसे तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। शायद समझ गए होंगे आपको, इनका क्रम एक आर्डर में या साइक्लिक आर्डर में ही होना चाहिए। तो आयत की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है, आयत के दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। नंबर तीसरा, आयत के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, अगर इसको हम O कह लें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट O कह दिया जाए, तो BO बराबर OD होगा और AO बराबर OC होगा 100%। तो इसीलिए हम कह सकते हैं आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आइए दूसरा, इसी में से आयत के बाद समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में भी देखिए समांतर चतुर्भुज बनाए दे रहा हूं मैं इस प्रकार से, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज
में भी वर्टिक्स देखिए वर्टिक्स सीज ए बी सी और डी समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज भी एक ही एक आयत का बिगड़ा हुआ रूप होता है। जैसे आयत के ए सीज को पुश कर दिया जाए तो दोनों सीज ऐसे जुड़ जाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर और बराबर होता है। सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर और बराबर होता है और बराबर होता है। जैसे हम क्या कह रहे हैं, ए डी बराबर बी सी 100% ए डी बराबर बी सी, यानी ये दोनों सम्मुख भुजाएं समान होंगी और ए डी पैरेलल टू ये समांतर का चिन्ह है, ए डी पैरेलल टू बी सी 100% ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी। अब समांतर का मतलब क्या है? सम माने बराबर, अंतर माने अंतर। जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर अंतर पर हो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे अगर हम ए से लंब अगर हम बी सी पर डालें और इस बी सी को भी ऐसे प्रोड्यूस करते हैं आगे और डी से भी लंब डालते हैं ऐसे, तो इसको अगर पी कह दिया जाए और इसको एफ कह दिया जाए तो एफ डी ये एक आयत बन जाएगा और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, सभी अंग इनके समान होंगे, तो ये आयत का ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो AD समांतर BC, हम इनको मिटा दे रहे हैं, यही है पीछा अंतर, ये दोनों समान हो तो चतुर्भुज समांतर होगा। इस प्रकार से इसी प्रकार से ये भी भुजाएं सम्मुख भुजाएं दूसरी ये, यानी AB बराबर CD, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी और ए बी और ए बी समांतर सी डी, यानी इनके बीच का अंतर समान होगा। तो शायद आ गया होगा समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, अब एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। आयत में कह रहे थे, आयत में क्या कह रहे थे, आयत में हम कह रहे थे दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में ये डिफरेंट होते हैं, समान नहीं होंगे दोनों, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, लेकिन प्रॉपर्टी वही फॉलो करेगा, ये जो बिंदु होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। समांतर चतुर्भुज की अगली विशेषता है कि एक ही आधार पर बने दोनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है, यानी एंगल ए बी सी और प्लस एंगल बी सी डी, हम किस एंगल को ऐसे कह रहे हैं, एंगल बी को कह रहा था तो एंगल ए बी सी बी को इतना कहेंगे और सी को कह रहा है बी सी डी, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 अंश 100% इस प्रकार से होगा। तो अब समांतर चतुर्भुज की विशेषता भी समझ गए होंगे। अब आइए बात, अब आता है वर्ग, वर्ग की विशेषता है, पहले तो वर्ग की परिभाषा
वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज है, वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। इस तरीके से वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ए बी सी डी, इसमें भी आप चेक करें, चार गुणे हैं, ए बी बी सी सी डी और ए डी, और चार कोण है अंतर कोण, कोण बी कोण सी कोण डी और कोण ए, चारों अंतर कोण यानी सभी अंतर कोण 90-90 अंश के होंगे। तो अब आयत की विशेषताएं क्या हो गई, आयत की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। पहला नंबर है आयत की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। ये लंबाई लिखा हुआ है हमने 60 दूरी दिया, आयत की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। इसका क्या मतलब हो गया, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। और दूसरी बात सर, अगर इसको हम मेजरमेंट में लिखें, अगर ये BC 5 सेंटीमीटर है तो 5 5 5 और 5 सेंटीमीटर ये सभी समान होंगे। तो आयत की पहली विशेषता मिल गई, आयत की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है। दूसरी विशेषता, आयत का प्रत्येक अंतर कोण 90 अंश का होता है। तीसरी विशेषता, आयत के दोनों आयत में वर्ग वर्ग के दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, यानी AC बराबर BD। आयत की दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। तीसरा, आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर और आयत के दोनों विकर्ण मध्य बिंदु पर एवं लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इसका कहने का मतलब हो गया, देखिए ये भी घटक होगा तो 90 अंश का होगा, ये भी 90 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 का होगा। तो आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर एवं लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आइए समचतुर्भुज, क्योंकि समचतुर्भुज और आयत में समानताएं होती हैं, वो देखिए कौन कौन सी समानताएं होंगी। समचतुर्भुज का मतलब है वर्ग को ही अगर इस तरीके से पुश कर दिया जाए, कोई वर्टेक्स पुश कर दिया जाए, ए बी सी और डी, चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक। अब इसमें सब चतुर्भुज है, सम का मतलब है इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, ऐसा ही वर्ग में भी होता था, लेकिन अब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होगा। वर्ग में तो 90 अंश का होता था, लेकिन इसमें नहीं होगा। अब एक ही भुजा पर, समांतर चतुर्भुज में एक ही भुजा पर
बने दोनों गुणों का योग सदैव 180 अंश होता है, यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का योग 180 अंश ही होगा, या इन दोनों का योग 180 अंश होगा, या इन दोनों का योग 180 अंश होगा, या इन दोनों का योग 180 अंश होगा। सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी समान होंगे। अगर ये 60 अंश का तो ये भी 60 अंश का होगा, ये 40 अंश का होगा तो ये भी 40 अंश का होगा। तो ये हो गई आपकी सम चतुर्भुज की विशेषताएं, समांतर चतुर्भुज और आयत। अब आइए पतन, अगला चतुर्भुज का प्रकार है पतन, काइट। पतंग सभी ने देखी है और कुछ इस प्रकार से पतंग बनी होती है ऐसे। इसको अगर ए बी सी और डी कहें तो ये पतंग हो गई, पतंग कुछ टेढ़ी बन गई है। अब कुछ ठीक है, ए बी सी डी ये एक चतुर्भुज हो गया। इस चतुर्भुज में देखिए पतंग है, ये पतंग, पतंग में ए बी भुजा ए डी के बराबर होगी और बी सी भुजा सी डी के बराबर होगी। ठीक, ए बी बराबर ए डी और बी सी बराबर सी डी, दोनों विकर्ण पतंग में दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर प्रक्षेप करते हैं, समांतर 90 डिग्री होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इसमें नहीं है मध्य बिंदु पर प्रक्षेप दोनों नहीं करते हैं। ठीक, एक विकर्ण यानी बीडी को विकर्ण एसी मध्य बिंदु पर प्रक्षेप करता है, इसको बीडी विकर्ण को एसी विकर्ण मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगर इसको हम ओ कह दें तो ये हो गया OB बराबर OD। चलिए अब प्रत्येक विकर्ण इसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगर हम एसी विकर्ण खींचते हैं तो दोनों दो भागों में बट गया, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अगर हम इसको मिला दे तो ऐसा नहीं होगा, एक विकर्ण केवल दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो बच्चों आपने चतुर्भुजों के बारे में, इसके बारे में आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज और पतंग के बारे में अध्ययन कर लिया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।